हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मैजेस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मॉनसून हेयर फॉल। ये बात आप सब जानते होंगे कि मॉनसून में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो हेयर फॉल थ्रू आउट द ईयर होता है, पर ये मॉनसून में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको ये बात बता दें कि प्रतिदिन 50 से 60 बालों का झड़ना बिल्कुल सामान्य सी बात है, मगर मॉनसून के दौरान ये संख्या 250 या उससे ज़्यादा हो सकती है। आखिर मॉनसून में बाल क्यों झड़ते हैं? बारिश के मौसम में जो अधिक नमी, एसिड रेन या गंदे बारिश के पानी के कारण बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं और तेज़ी से झड़ने लगते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में नमी का स्तर बहुत उच्च हो जाता है, जो बालों में हाइड्रोजन को अवशोषित करने का कारण बनता है, जिससे बाल फ्रिजी होकर आसानी से टूटने लगते हैं। इस नमी से बालों का जो नेचुरल ऑयल होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे स्कैल्प ड्राई हो जाती है और डैंड्रफ हो जाता है। मॉनसून में फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। स्कैल्प के बैक्टीरिया और फंगस बालों में डैंड्रफ को प्रोड्यूस करते हैं। मॉनसून में बालों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए इन टिप्स को अपनाएं। इसके लिए नंबर 1 है, बारिश में निकलने से पहले सिर को ढकें। बारिश का जो पानी होता है वो आपके बालों को नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि इसमें कई तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। इससे हेयर रूट्स वीक हो जाती हैं और बाल झड़ने लगते। सेकंड है, बालों को सूखा रखें। अगर बाल बारिश में गीले हो जाते हैं तो घर आकर इन्हें सबसे पहले माइल्ड शैम्पू से धोएं, बाद में इन्हें सुखाएं। और सुखाने के लिए कभी भी हेयर ड्रायर्स का यूज़ ना करें, नॉर्मली पंखे के नीचे इन्हें सुखाएं। थर्ड है, हफ्ते में 2 बार कम से कम गर्म तेल की मसाज करें। गरम तेल की मसाज से न सिर्फ आपके स्कैल्प को पोषण मिलेगा, बल्कि सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और बाल स्वस्थ और चमकदार बने रहेंगे। तेल को बालों में 2-3 घंटे लगा रहने दें और फिर माइल्ड शैम्पू से धो लें। रात में हैवी ऑयलिंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, इससे बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। 2 या 3 घंटे ही कम से कम बालों में ऑयल को रखें। फोर्थ है, बैलेंस्ड डाइट। सिर्फ घर का खाना खाएं, नो जंक फूड, नो स्ट्रीट फूड। हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस डाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके लिए हमें स्प्राउट्स खाना चाहिए रोज। स्प्राउट्स में विटामिन ई, जिंक, पोटेशियम, आयरन होता है, जो बालों को इंटरनली स्ट्रेंथ देता है। इन सब के अलावा आप ड्राई फ्रूट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सब हेयर फॉल को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं, तो आप इनका सेवन भी कर सकते हैं। फिफ्थ है, यूज़ DIYs, हेयर पैक्स एंड मास्क। मॉनसून में हमारे बाल ऑलरेडी इतने ड्राई डैमेज्ड होते हैं, तो हमें उनमें ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए। इसके लिए DIY हेयर पैक्स और मास्क यूज़ करने चाहिए। इसके लिए हमें हनी और बनाना का हेयर मास्क यूज़ करना चाहिए। इसके लिए घर में बनाया हुआ हनी प्लस बनाना का हेयर मास्क यूज़ करना चाहिए। सिक्स्थ है, नो हेयर डाइज। मॉनसून में केमिकल हेयर डाइज यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बालों को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अगर बहुत ज़रूरी हो तो हिना यूज़ करना चाहिए कलर करने के लिए बालों को। सेवेंथ है, यूज़ लेमन रिंस एज ए कंडीशनर। इसके लिए आधा नींबू लिए और 1 मग पानी में उसे डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए। इसको शैम्पू के बाद कंडीशनर की तरह यूज़ करें। इसके बाद बालों को पानी से ना धोएं, इसको लीव ऑन कंडीशनर की तरह यूज़ करें। एट्थ है, मेक ईजी एंड सिंपल हेयर स्टाइल्स। अवॉइड कॉम्प्लेक्स हेयर स्टाइल्स। कॉम्प्लेक्स हेयर स्टाइल से हेयर फॉल बढ़ता है, इसलिए सिंपल हेयर स्टाइल्स करें। इसके लिए कोई पोनीटेल बना लें या सिंपल हेयर बैंड्स का यूज़ करें। नेक्स्ट है, बालों को झड़ने का स्ट्रेस ना लें। मॉनसून के दौरान बालों की देखभाल करने की सबसे बड़ी गलती है स्ट्रेस लेना। इससे आप स्ट्रेस में आकर हेयर फॉल को रोकने के लिए कई तरह के केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिससे हेयर फॉल कम होने की जगह बढ़ जाता है और वो और ज़्यादा स्ट्रेस देता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।